क्वेश्चन नंबर 22, अमन भारत एंड चेतन, ओल्ड रेशियो 3:2:1, क्या हुआ? ऑन चेतन्स रिटायरमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. व्हेन गुडविल इज रेज्ड एट इट्स करेंट और फुल वैल्यू. ठीक है, करेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज 150,000. पार्टनर्स कौन है? अमन, भरत एंड चेतन. ओल्ड रेशियो 3:2:1. चेतन रिटायर हो गया, कुछ मेंशन नहीं है अगर, तो प्रगति न्यू रेशियो क्या होगा? 1:1. रिटायरमेंट में होता है कि उनका आपस में रेशियो वही रहेगा जो पहले था. 20 क्वेश्चन करे हमने रेशियो कैलकुलेशन पे, तो ये तो सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट है रिटायरमेंट में. इसमें कोई डाउट? नो सर. ये क्लियर है ना, न्यू रेशियो 3:2 है. यस सर. खत्म है वैसे अब क्वेश्चन. गुडविल रेज होगी 3:2:1 में, राइट ऑफ होगी 3:2 में, तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू कौन है पार्टनर्स? अमन, भरत एंड चेतन. ABC रख लेते हैं, अमन, भरत एंड चेतन. कैपिटल कितनी है गुडविल? 150. ओल्ड रेशियो 3:2:1. 3:2:1 मतलब 75, 50, 25. रेज हो गए, अब राइट ऑफ होगी. राइट ऑफ अमन्स कैपिटल, भरत्स कैपिटल, न्यू रेशियो. सॉरी, न्यू रेशियो में कौन है? 3:2. वो दिमाग में कुछ और सोच रहा था. कॉन्सेंट्रेशन. राइट ऑफ होगी 150 न्यू रेशियो में. 3:2 मतलब 5. 3:2 है ना, 5. 5 3, 3 3s are 9. इजी है, इजी रहने देना. गुडविल रेज एंड रिटन ऑफ. 23 में भी यही होगा फिर. आरती, भारती, सीमा इक्वली, तो ओल्ड रेशियो हो गया 1:2, 1:2. आरती, भारती एंड सीमा, पूरा नाम लिख लेंगे. भारती रिटायर्ड एंड गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 9 लाख. न्यू रेशियो दे दिया उन्होंने, स्पेसिफिक दे दिया. डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 3:1. पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल इफ गुडविल इज रेज एंड रिटन ऑफ. तो गुडविल रेज होगी ओल्ड रेशियो में 1:1:1. राइट ऑफ होगी 3:1 में. हो जाएगा 23. चल सकता हूँ आगे, इशिता? तो एक्चुअली ना इस क्वेश्चन में मेरे को भी डाउट था. एक्चुअली एक जो पार्टनर है ओल्ड, मतलब जो सॉल्व लाइक रिमेनिंग करूंगा पार्टनर है, मैं, सॉल्व. या कोई गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है ना, उसमें रेज एंड रिटर्न ऑफ में फर्क ही नहीं पड़ता. रेज एंड रिटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट ही अलग है. चलो देख, ऑटोमेटिकली होगा वही कि गुडविल विल बी गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. नेट इम्पैक्ट वही होता है. बट मैं कह रहा हूं जब रेज एंड रिटर्न ऑफ है ना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो. दैट इज टेकन केयर ऑफ ऑटोमैटिकली. दैट इज टेकन केयर ऑफ ऑटोमैटिकली. सर ऐसा कैसे? करके दिखाता हूँ आपको मैं क्या बोल रहा हूँ. गुडविल रेज हुई, तो गुडविल रेज हुई, ध्यान से देखना, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. गुडविल टू, क्या नाम है? आरती, भारती. आरती इज कैपिटल, भारती इज कैपिटल, सीमा इज कैपिटल. गुडविल कितनी है? 9 लाख.
3 लाख 3 लाख 3 लाख। गुडविल रेज हुई, राइट ऑफ होगी, कौन रिटायर हुआ? भारती। तो आरती और सीमा बच गए, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। तो गुडविल 9 लाख, न्यू रेशियो इज 3:1, 4, 9 लाख डिवाइड बाय 4, 4, 2, 225, 225, 225 इंटू 3, 675, 225। अब ध्यान से देखना नेट इम्पैक्ट, आरती क्रेडिटेड 3 लाख, आरती डेबिटेड 675। तो डेबिटेड गुडविल इज द कॉम्पेंसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो आरती डेबिट होगा नेट इम्पैक्ट, और सीमा क्रेडिटेड 3 लाख और डेबिटेड 225, तो सीमा को नेट इम्पैक्ट +75 ही आ रहा है। तो सीमा आप उसको तो मिल ही गए, भारती तो रिटायर हुई, उसको तो मिल ही गया, क्रेडिट हो गया। मैं कह रहा हूँ आपका ये था ना कि सीमा इज ऑल्सो सैक्रिफाइसिंग, यस सर, तो लॉजिक समझ आ गया आपकी? गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ में इट इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ, ओके, इम्पोर्टेंट है मतलब, बट ठीक है ध्यान में रखना है। रेज एंड रिटर्न ऑफ इजी हो जाता है रिटायरमेंट की, क्योंकि कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, कोई गेनिंग रेशियो नहीं, कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं, ओल्ड रेशियो में रेज, नए न्यू रेशियो में राइट ऑफ। क्या करा हमने? क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23।